इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी के चेयरमैन कोलिन ग्रेवस का मानना है कि आज के युवा क्रिकेट के प्रति आकर्षित कम है, इसलिए समय की आधुनिकता को देखते हुए 100 बॉल क्रिकेट का विचार लाया गया है। एक न्यूज एजेंसी ने ग्रेवस के हवाले से लिखा कि आप माने या ना माने, लेकिन हमने जो सर्वे किए हैं और शोध की है उससे पता चला है कि युवा सिर्फ क्रिकेट के प्रति आकर्षित नहीं है। उन्होंने इस चर्चा को बढ़ाते हुए कहा वो और ज्यादा मनोरंजन चाहते हैं और इसे और छोटा साथ ही सरल रूप में देखना चाहते हैं। ये चीज हमने इस नई प्रतिस्पर्धा से सीखी है और हम यही करना चाहते हैं। ग्रेवस के मुताबिक इस नई स्पर्धा पर हम जल्द काम कर लेंगे और खिलाड़ियों के साथ इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। खिलाड़ियों के नजरिए से ये उनके वेतन में 8 मिलियन की बढ़ोतरी होगी। वहीं टेलीग्राफ को दिए नए इंटरव्यू में ग्रेवस ने कहा है कि उन्हें अगर इस प्रारूप को लागू करना है तो उन्हें इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना होगा। उन्होंने कहा अगर कोई सोचता है कि इसे आयोजित करना हंसी मजाक है तो वो उससे पूरी तरह से असहमत है। 100 बॉल को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली भी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने क्रिकेट के इस नए प्रारूप पर टिप्पणी करते हुए हाल में ही कहा कि इस तरह से क्रिकेट में हो रहे निरंतर छोटे प्रारूप से क्रिकेट के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।